अथर्ववेदी योग मांडुक उपनिषद के चौथा प्रकरण अलग शांति प्रकरण, उसके ऊपर विचार प्रारंभ हुआ है। यदि प्रतिज्ञा करते इतक तत् उत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है उनका, उस प्रतिज्ञा वाक्य को दृष्टांत को तरह समझाने के लिए ये अलग शांति प्रकरण को यहाँ पे लाया गया है। तो वो इतना ही नहीं, उसके साथ अन्यवादियों के सिद्धांत में जहाँ थोड़ा बहुत विरोध समझ में आता है उसको भी निराकरण करने के लिए ये अलग शांति प्रकरण। तो पहले यहाँ पे उपदेष्टा को मतलब भगवान नारायण जिससे ये उपदेश प्राप्त हुआ उनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद काम ही नहीं कर रहे, लाइट भी नहीं इधर रहे, इधर आ जाइए पास में। पहले उपदेष्टा को नमस्कार करने के बाद फिर जो जिस उपदेश को किया गया है मतलब उस उपदेश फिर श्रद्धे है, तो आजाद बार अस्पर्श योग भी जो है अत्यंत तो मतलब आदरणीय है और उपादेय भी है, क्योंकि उसी से स्पर्श योग यदि समझ में आ गया अपने स्पर्शता को तब क्या होता है, जीव जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। इसको मन में रखते हुए फिर जो है अन्य वादी अपने अपने सिद्धांतों को बना करके फिर सिद्धांतों को पुष्ट करने के लिए वैदिक वाक्य को ला करके उसको पुष्टि दिखाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ लोग जो है विद्यमान वस्तु की अथवा शास्त्र में जिसको सत कहा गया है उससे सृष्टि मानते हैं। कोई बात उसके विरोध में बोलते हैं, अरे भाई जो आपका उस विद्यमान वस्तु उसको उत्पत्ति कहाँ से होगा, और जिस सत तत्व को शास्त्र में प्रतिपादन करता है व्यापक है, नील अवयवान परिणाम होना संभव ही नहीं है, इसीलिए सृष्टि पारमार्थिक होना संभव नहीं। अपरवादी बोलते हैं नहीं नहीं, जो वस्तु नहीं है उसकी उत्पत्ति होती है, विद्यमान वस्तु का उत्पत्ति होती है। अरे बस भगवान श्री कृष्ण बोलता है कि न सत्य विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य, जो अविद्यमान वस्तु उसकी विद्यमानता नहीं होती और जिस जो विद्यमान है उसकी कभी अविद्यमानता नहीं होती। अब तो अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते हुए कैसे हो सकता है, ये कैसे? द्वितीय अध्याय 16वां श्लोक है, न सत्य विद्यते भावो न भावो विद्यते। तो इस प्रकार जब वेदांति अब क्या करते हैं, बोलते हैं कि दोनों वादियों के सिद्धांत के कौन से अंश में अविवाद है उसको हम ग्रहण करते हैं। दोनों एक वादी बोलते हैं कि असत से उत्पत्ति होना संभव नहीं है, एक वादी बोलते हैं सत से उत्पत्ति होना संभव नहीं, सत असत दोनों को छोड़ दिया उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अभिवाद निबोधन है ना इस प्रकार से। क्योंकि आपने पहले आपने बोला कि प्रकृति जो है अज है, फिर बाद में कहते हैं प्रकृति से प्रकृति उत्पन्न होते हैं, प्रकृति जो है अहम तत्व महत तत्व में परिणत होता है, तो आपका बदत व्याघात दोष है, आपकी प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी, आपकी प्रतिज्ञा हानि हो जाएगी। व्याघात दोष किसको बोलते हैं, मैंने विरुद्ध कथन। और दूसरी बात क्या है कि देखो यदि आपने प्रतिज्ञा किया कि ये अमरण धर्म वाला है और वो जन्म लेकर के फिर मरण धर्म वाला हो जाता है तो ये भी पारमार्थिक है, और फिर क्या क्या साधन के तरह ज्ञान कर्म समुच्चय के तरह फिर अमरणत्व प्राप्त करता है, ये जो है ये सिद्धांत तो नहीं हो सकता। जो मर्त्य है वो मर्त्य ही रहेगा, जो अमरण है वो अमर्त्य है अमृत ही रहेगा, ये तो परिवर्तन स्वभाव में परिवर्तन करना जो है ये जो है ये व्यभिचारी तत्व होता है, मिथ्या होता है जो स्वभाव में परिवर्तन, और यदि ऐसा स्वभाव परिवर्तन करने वाला हो जाए ना संसार में तब व्यवहारी लोप हो जाएगा, विश्वास ही नहीं रख पाएंगे कहीं भी। आज आपने कोई वस्तु घर में चावल बाजार से खरीद के रखा और उसका स्वरूप में परिवर्तन करते हैं वो बजरी हो गए, कल सुबह खाना पाएंगे आप? इसलिए जो वस्तु जैसा है उसका जो स्वभाव है वो ऐसा ही रहता है, यदि वो परिवर्तन करता स्वभाव से
नाम रूप में परिवर्तन तो कोई बात नहीं, नाम रूप में चल पाए, स्वभाव से यदि परिवर्तन करते हैं तब व्यवहार नहीं चल पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि देखो प्रकृति अन्यथा भाव न कथनचित भविष्य, इसका जो प्रकृति है वो कभी अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं करता। प्रकृति अन्यथा भाव न कथ, ये मुख्य सिद्धांत है। इसलिए जो स्वभाव से अमृत है वो अमृत ही रहेगा, जो स्वभाव से मरणशील है वो मरणशील रहेगा। अब कल मैं बताया था इतना कथन करने के बाद प्रकृति किसको कहते हैं, उसको लेकर के ग्रंथकार भी परिभाषा दे रहे हैं प्रकृति किसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, आज शुरू होगा नंबर 9 से, ठीक है, आज क्योंकि 8 तक पूरा हो गया था। बोलते हैं कि प्रकृति टीका में प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथनचित युक्तम, मतलब जिसका जो स्वभाव है प्रकृति है वो भिन्न विपरीत हो जाए परिणत पर मतलब बदलते रहे, ये कहना युक्तिसंगत नहीं है। प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथनचित इति होना संभव नहीं थी उक्तम, ऐसा जो आपने कहा तत्र प्रकृति शब्द अर्थम कथे है, प्रकृति शब्द से क्या अर्थ लेना है, प्रकृति से क्या कहना है, उसको लेकर के अब अगला श्लोक बोलते हैं, ठीक है। प्रकृति अन्यथा भावना कथनचित भविष्यति इति उक्तम, ऐसा आपने कहा, ये जो आपने कहा तत्र प्रकृति शब्द, प्रकृति से क्या लेना है, जो नया शब्द आ जाता है यहाँ पे शंकर दर्शन में भी प्रकृति माना, और शंकर दर्शन है प्रकृति को कभी प्रधान भी बोलते हैं, जिस प्रकार प्रकृति जन्म रहित है परंतु सावैव है, वो सत्य रजतम और तीन गुण से मिला हुआ है। वेदांतिक प्रकृति जो है सजातीय विजातीय सगत भेद से रहित है, मूल प्रकृति माया को मानते हैं यहाँ पर अव्यक्त माया को कोई तो चिकन अज्ञान मुख्य रूप से उसके लिए हेतु है। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर श्लोक, सांसिद्धि के स्वाभाविकी, सांसिद्धि के स्वाभाविकी सहजाकृता च या, सहजाकृता च या प्रकृति साहित्य विज्ञेया, प्रकृति साहित्य विज्ञेया स्वभावम न जहाति या, स्वभावम न जहाति या सांसिद्धि स्वभाविकी सहजा अकृता च या प्रकृति साहित्य विज्ञेया स्वभावं न जहातिया। सांसिद्धि की, इस प्रकार योगी लोग साधन के द्वारा जो कि संभव सिद्धि को कुछ सिद्धि को प्राप्त करते हैं, है ना, भवे तष्टत परिणतम चैश्वर्यम अव्याहतम, है ना, दक्षिणामूर्ति स्तुति में वो जो अष्ट प्रकार की सिद्धि जो योगी लोग प्राप्त करते हैं, जब तक योगी का उस शरीर रहता है वो सिद्धि उनके पास रहता है, उसमें अन्यथा भाव नहीं होता, सांसिद्धि मतलब सम्यक रूप से सिद्ध किया जिस वस्तु को तत्सम्मत है। स्वाभाविकी जो स्वभाव से ही होता है, जैसे अग्नि की उष्णता जल की शीतलता स्वभाव से अपने आप ही होते हैं। सहज फिर जो है जन्म के साथ साथ ये गुण आ जाता है, मनुष्य को 2 पैर के ऊपर चलना, पशु को 4 पैर के ऊपर चलना, बंदर को कूदना, चिड़िया को उड़ना, ये सब जन्म के साथ साथ ही आ जाता है, इस सहज। और अकृता जा जो विकृति शब्द ने अपने अभ्यास से आया हुआ, इस प्रकार 4 विकल्प करते हैं। अकृता का मतलब अकृता में जो कृति शब्द नहीं है, स्वाभाविक रूप में आया नेचुरली, या तो ये प्रकृति साहित्य विज्ञान उसी को प्रकृति कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिए। कौन स्वभावम न जहाती जा, जा स्वभावम न जहाते, जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते ही उनका प्रकृति ही समझ, यही उनका प्रकृति। अब प्रकृति अन्यथा इसको पुष्ट करने के लिए प्रकृति शब्द को ये परिभाषा दिया, प्रकृति मतलब क्या है, यदि मरणशील है तो मरणशील ही होगा, जो अमरण धर्म है तो अमरण धर्म ही रहेगा, कभी मरने वाला कभी बचने वाला ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सांसिद्धि की स्वाभाविकी सहजा अकृता चजा प्रकृति सा इति विज्ञा, सा प्रकृति इति विज्ञा, उसी को प्रकृति इस प्रकृति समझना चाहिए। कौन स्वभावम न जहा दीजा, जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते हैं और नहीं बदला जा सकते उसको प्रकृति कहा जाता है, उसको प्रकृति कहा जाता है। यहाँ पे देखिए श्लोक टीकाकार लिख रहे हैं, श्लोक अक्षराणी व्यकुर्वन प्रकृति अन्यथत्व अभाव हेतु माह, है ना, श्लोक की अक्षर को व्याख्या करते हुए प्रकृति अन्यथत्व अभावे, प्रकृति का विपरिणाम होना, प्रकृति का बदलना, इसके जो अभाव है, ये बदलने की अभाव, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, यस्मात् वाचकल्प लौकिक प्रकृति न विपर्येति, जो लौकिक प्रकृति है सामान्य
सामान्य व्यवहार में जो लोग व्यवहार में जो प्रकृति दिखाई पड़ते हैं, लोग ऐसे बोले ये राजसिक प्रकृति के, ये बोलते हैं ना तामसिक प्रकृति के, अथवा इसका ही धर्म। ये जो लौकिक व्यवहार में भी जो प्रकृति दिखाई देता है उसका भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला सदृशम चेष्टते सस्य प्रकृतिर ज्ञानवान अपनी, है ना, अपनी प्रकृति के अनुसार ही सब चेष्टा होता है, प्रकृति के अनुसार चेष्टा होता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं यस्मात् लौकिकी अपि प्रकृति न विपर्यति, लौकिकी प्रकृति का भी विपर्यय होना मतलब वृद्धि ह्रास वा न अपनौती। एक नंबर टिप्पणी, विपर्यय को वो बढ़ना घटना, है ना, ये होना संभव नहीं है, ऐसा कहा। तो ये प्रकृति क्या वस्तु है, का सुविधि, ये प्रकृति क्या वस्तु है, इति आह, उसके उत्तर में कहते हैं सम्यक सिद्धि, संसिद्धि, है ना, साधन के जरा जो सम्यक सिद्धि को प्राप्त करते हैं वो संसिद्धि बोलते हैं उसको। तो तत्र भाव है तद्धित हुआ उसका, उसको तद्धित होकर संसिद्धि की मतलब उस भाव में रहना, तत्र भाव मतलब तन निमित्त को उत्पत्ति आश्रय, उस प्रकार की सिद्धि के उत्पत्ति के जो आश्रय है साधन उसको बोलता है सम्यक सिद्धि की, मतलब सम्यक रूप से सिद्धि के द्वारा जिसको प्राप्त किया गया है सम्यक सिद्धि की। तत्र भव तद्धित है, तत्र भव प्रत्यक्ष में सिद्ध प्रत्यय हुआ, फिर स्त्रीलिंग होने के कारण सिद्धु दीर्घिकार हो गया, फिर संसिद्धि, और फिर जो है उसमें क प्रत्यय भी कौन है, कौकर तो अकर का रूप हो जाएगा, ठक प्रत्यय, और फिर उसका स्त्रीलिंग हुआ ना वहाँ पर प्रकृति, इसलिए संसिद्धि की नहीं हो गया फिर कि तत्र भवा, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पे तत्र भव मतलब तन निमित्त का उत्पत्ति आश्रित है, मतलब उस प्रकार की संसिद्धि की उत्पत्ति का जो आश्रय वो सांसिद्धिक व्यक्ति है, सिद्ध व्यक्ति है, ये बोलते हैं इस प्रकार सांसिद्धि की। यथा दृष्टांत द्वारा यथा योगिनाम सिद्धानाम अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति ही प्रकृति सा, उसको प्रकृति कहा जाता है, भूत भविष्य कालयोर अपि योगिनाम न विपर्यति, है ना, वो अतीत और भविष्य वर्तमान में तो विपर्यय होता ही नहीं है, भविष्य में भी उसका विपर्यय नहीं होता, जब तक वो योगी जीवित रहता है तब तक वो सिद्धि उनके पास रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोलता है तत्र भवा संसिद्धि की, यथा जैसे दृष्टांत क्या दिया, योगी नाम सिद्धानाम अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति, सिद्ध पुरुष का अनिमा गरिमा लखिमा महिमा प्रकाम में ये शब्द अष्ट सिद्ध है, इस प्रकार जो ऐश्वर्य प्राप्ति करते हैं उसी को यहाँ पे प्रकृति शब्दों के द्वारा समझना, क्यों, क्योंकि जो नष्ट नहीं होता, भूत भविष्यत कालयोर अपि, है ना, भूतकाल में अथवा भविष्यत काल में भी, सप्तमी दिवचन है इस काल में भी, योगी नाम ना भी योगियों का वो जो सिद्धि है ना वो विपरीत भाव को मतलब बढ़ना घटना नहीं होता, तथैव सा वो उसी प्रकार ही रहता है, उसी प्रकार ही रहता है। दो नंबर टिप्पणी में देखिए भूत भविष्यत कालयोर अपि, दो नंबर मतलब पूर्व उत्तर कालयोर अपि, है ना, पहले काल में अब बाद के काल में सिद्ध संसिद्ध के मतलब पूर्व काल तक जब तक नहीं था तब तक तो नहीं था, जैसे जब उत्पन्न हुआ उसके बाद जो है फिर वो नाश नहीं होता, उसका कोई विपर्यय नहीं होता, ये अभिप्राय है। पूर्व उत्तर काल है, शरीर जब तक है तब तक, उनका शरीर जब तक है, एक शरीर में जब तक वो सिद्ध है, देखो अगला शरीर क्या प्राप्त करेगा, कैसे होगा, मुक्त भी हो सकता था, अभी सब क्या करेंगे। तीन नंबर तथैव सा, तथ्य मतलब एक रूपा एव, मतलब वो एक रूप ही रहता है, विपरिणाम नहीं होता, व्यभिचार नहीं करता, ये उसका विपरीत अर्थ है। तथा उसी प्रकार से स्वाभाविकी, जिसका जो स्वभाव है ना, स्वस्वभाव स्वभाव, स्वएव भाव स्वभाव, है ना, स्वएव भाव स्वभाव, जो अपने स्वभाव है वही उसका भाव है। तो बोलते हैं स्वाभाविकी तत्वी तत्र भवा से ठक प्रत्यय, द्रव्य स्वभावत एव यथा, जिस द्रव्य का अपने स्वभाव से जो गुण रहता है, यथा अग्नि आदि नाम उष्ण प्रकाश आदि लक्षणा, है ना, जैसे अग्नि की उष्णता प्रकाश के द्वारा लक्षित होता है जो वस्तु, वही उसका स्वभाव है। इसलिए द्रव्य स्वभावत एव, द्रव्य अपने विशेष स्वभाव से जो भाव में रहते हैं उसको स्वाभाविक ही बोलते हैं, है ना, प्रकृति स्त्रीलिंग स्वाभाविक ही, स्वाभाविक कौ अकारांत भी है, इकारांत विकारांत स्त्रीलिंग के लिए गए हैं, यथा अग्नियादीनाम, जैसे अग्नि का जल का सूर्य का, इसका जो अपना अपना प्रकृति है, उष्ण प्रकाश आदि लक्षण, अग्नि का काम दो है, क्या करते हैं वो, उष्णता भी देते हैं प्रकाश भी देते हैं, उष्ण प्रकाश आदि लक्षण, सापिना कालांतरे व्यभिचर की देशांतर व, ठंड के समय अग्नि तो गर्म लगता है, गर्मी के समय अग्नि ठंडा हो जाता है कि नहीं, ठीक है भाई, केरल में तो अग्नि गर्म है, हिमालय के ऊपर में अग्नि ठंडा होगा कि गर्म होगा,
तभी तो लोग आम चलाते हैं खड्डे में, सिर तो जलाते हैं, क्योंकि उसके उससे जिसका जो धर्म है वो व्यभिचर बोलता है देशांतरे कालांतरे व न व्यभिचरती है ना। दुष्ट देश में जाने से भी व्यभिचार नहीं करेगा, अनुष्ट काल में भी व्यभिचार, गर्म काल में भी अग्नि गर्म है, ठंड काल में भी अग्नि गर्म है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यथा स्वाभाविकी द्रव्य स्वभावत एवं यथा अग्नियादीना उष्ण प्रकाश आदि लक्षण स्वापिना कालांतरे व्यभिचरती देशांतरे चाह कालांतर में अथवा देशांतर में जा करके उसके स्वभाव को व्यभिचार नहीं करता है। चार नंबर टिप्पणी, द्रव्य स्वभावत एव द्रव्यनिष्ठ स्वजनन अनुकूल सामर्थ्य जन्य इत्यर्थ। वो द्रव्य में विद्यमान स्व अपने जनन मतलब उस प्रकार की द्रव्य को उत्पन्न गुण को उत्पन्न करने के लिए जो व्यापार होता है सामर्थ्य रहता है वही उसका स्वभाव है। इसलिए द्रव्यनिष्ठ स्वजनन अनुकूल सामर्थ्य जन्य अपने को उस प्रकार के धर्म को उत्पन्न करने के लिए सामर्थ्य है उससे, क्योंकि अग्नि जो है अग्नि का एक स्व है ऊपर की दिशा में जाना, ऊपर की ओर चलता रहता है, अगर नीचे की दिशा में नहीं जाता ऊपर होता है। ये जो अपने जनन अपनी जो उसमें जो द्रव्य निष्ठ जिस द्रव्य को लेकर के जिस द्रव्य होता है अग्नि हो वायु हो जल हो पृथ्वी हो जिसका जो निश्चित जल नीचे का भी बोलेंगे उसको सह वो जो उसका सहजा तथा सहजा आत्मना सह एव जाता है ना। जिस प्रकार व्यक्ति उत्पन्न होते होते उसके साथ जो आता है उत्पन्न होने के साथ तो सहजा जिस पर दृष्टान पक्षादीनाम आकाश गमनादि लक्षण पक्षी को चिड़िया को कीड़े मरम पतंगों को गाय को जो कोई तिरजक चलते हैं कोई उड़ते हैं कोई खड़े चलते हैं ये सहजा उसका जन्म के साथ ये पैदा हो। अतः सहजा आत्मना सहैव जाता जाता पक्षादीनाम आकाश गमनादि लक्षण। तो यहाँ पे क्या क्या बोला आपको, सांसिद्धि की स्वभाविक की सहजा और अकृता। हाँ अकृता यहाँ पे भी पांच नंबर टिप्पणी दिखाई पर सहजा स्व आश्रय कारण जन्य है ना। जिस आश्रय में रहता है जिस पक्षी के उड़ना जिस पक्षी के आश्रय में रहता है उसकी उत्पत्ति के साथ सच्ची उत्पन्न वो भी आ जाता है। इसलिए बोलते हैं स्व आश्रय जिस आश्रय में जो स्वभाव दिखाई पड़ रहा है उसका कारण से उत्पन्न होता मतलब उसकी जिस पक्षी के उत्पन्न में पक्षी में आश्रय में उड़ना धर्म रहता है तो पक्षी हो गया उड़ने के हेतु मतलब क्योंकि उसका पंखुड़ी है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि स्व आश्रय कारण जन्य इति अर्थ सहजा आत्मना सहैव जाता जाता पक्षादीनाम आकाश गमनादि लक्षण। तो सांसिद्धि की हो गया कि जो साधन के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया वो भी रह जाते हैं। स्वाभाविक ही मतलब क्या होता है जो स्वभाव रूप से जो विद्यमान रहते जैसे अग्नि की उष्णता जल की शीतलता ये सब, और जो है सहजा मतलब किसी प्राणी के उत्पत्ति के साथ साथ जो उनके साथ जुड़ जाता है वही उसका प्रकृति होता है वही उनका प्रकृति होता है। ये सब प्रकृति की परिभाषा है ठीक है ना। स्वाभाविक सांसिद्धि की स्वाभाविक की सहजा और चौथा था अकृता अन्न अपि जा काचित अकृता केनचित न कृता यथा अपाम निम्न देशे गमन। ये जल के नीचे की ओर जाता है ये किसी ने किया नहीं उसका अपने आप ही जो है यहाँ पे अग्नि को ऊपर दिशा में उठना ये जो अपने आप अकृता वो किसी ने किया नहीं। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अन्न अपि जा काचित और दूसरा कुछ भी जो अकृता मतलब केनचित न कृता किसी ने उसको बनाया नहीं किसी ने उसको बनाया नहीं कहता यथा अपाम जैसे जल का निम्न देश में जाना गमनादि लक्षणा। ये जो है चार चीज बताए इसको जो है प्रकृति शब्द बोलते हैं सांसिद्धि की स्वाभाविकी सहजा अकृता चले। सांसिद्धि का मतलब योगियों की साधन के द्वारा सिद्ध प्राप्त करते हैं जब तक जो एक शरीर रहता है वो रहता है। और फिर जो है स्वाभाविक मतलब क्या हुआ कि अग्नि का जल का जिसका जो स्वभाव है प्रकाश देना शीत अथवा जल का शीतलता देना उष्णता देना इस प्रकार से जो है जो स्वाभाविक रूप में रहता है अग्नि में जल में उसको जो देशांतर में कालांतर में व्यभिचार नहीं करता कभी व्यभिचार नहीं करता। फिर जो है सहजा हो गया क्या जो जिस समय मैं उत्पन्न हुआ मनुष्य शरीर उत्पन्न होता वो बेचारा दो पैर के ऊपर चलने लगता बचपन में यद्यपि चार हाथ पैर के साथ चलते देखते देखते अपने कि अपने आ जाते हैं सहजा उसके साथ ही बचपन ऐसा कि धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है फिर खड़ा होकर चलना सीखते उसमें चलने लग जाते क्योंकि व्यक्ति तो हाथ के ऊपर भी चलना प्रैक्टिस करता परंतु स्वाभाविक नहीं प्रकृति नहीं तब में। और अन्न जो भी कुछ है जो आप इस प्रकार से हमारे पास आए हुए हैं और हम उसको छोड़ नहीं पा रहे तो वो इसीलिए जो है ना बोलते हैं कि हैबिट इज द सेकेंड जो जिसको आप अभ्यास करके बनाएंगे वही आपका प्रकृति बन जाता है।
इसलिए अन्न पीजा काचित अकृता के नचित न कृता यथा अपम निम्न दिश भवना अभिलक्षणा। यहाँ भी छः नंबर टिप्पणी था, अकृता मूल कारण एक जन्या न तो अवान्तर कारण जन्या, जिससे मतलब अकृता मतलब क्या हो गया कि जब जो मूल कारण से उत्पन्न हुआ उस समय ही वो आया, उसमें वो अन्न के अवान्तर कारण से उसमें नहीं आया। यदि आपको जल की ऊपर की दिशा में ले जाना होगा तो आपको अवान्तर कारण चाहिए, पाम पद लगाना पड़ेगा, जल को जाए नीचे क्यों, परंतु ये बताओ नारियल की ऊपर वहाँ पे पानी कौन उठाता, कौन सा पंप लगाया, नारियल का पानी नहीं है तो पृथ्वी का जो मट्टी है वही पंप से ऊपर। जो कहते हैं भगवान है कि नहीं प्रमाण दो, अब प्रमाण क्या है उनको बता, तुमको तीन मंदिर चार मंदिर में पंप उठ जाए पानी उठाने के लिए कितना पंप खर्चा करना पड़ता है, अब बता नारियल के अंदर पानी कौन है। यही जो है कुछ आप प्रकृति वस्तु में ऊपर भी चढ़ते हैं, जब मतलब क्या होता है जड़ से खींच करके पेड़ अपने आप उसको ऊपर उठाते हैं। ये जो आप ये देखें ना जो हमारे केम्प्टी फॉल्स, केम्प्टी फॉल्स मसूरी में, तो वहाँ पे अनाधिकार से जल धारा चलते ही आ रहा है, कोई रिसर्च कि होता क्या है कहाँ से इतना चल रहा है, वहाँ पर तो कोई तालाब आदि कुछ अथवा गुफा ये नहीं पन नहीं है तो कैसे आता है, तो वहाँ पे जो बांझ का पेड़ होता है ना वो बांझ का पेड़ बहुत हार्ड लकड़ी होता है, वो जो है वो एक एटमोसफियर से वाटर को एब्जर्व करता है और अपने रूट से वो छोड़ता है। देखिए प्रकृति है आर्य नाश तो बांझ को पेड़ को बचा के रखना पड़ेगा। हाँ बचा के रखना, काट रहे हैं तो आप जो भेजिए तो प्रकृति में इतना परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए जो है ये जो है जो उसका जो स्वभाव है वो कभी परिवर्तन नहीं होता। अन्न अपिजा काचित स्वभाव ना झाती, इस प्रकार से अन्न जो भी कुछ जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता सा सर्व प्रकृति, उस सभी को आप प्रकृति समझना, इति विज्ञा लोके लोक व्यवहार में यही प्रकृति है ऐसे समझना चाहिए। जब लोक व्यवहार में भी यही स्थिति है जब पारमार्थिक वस्तु आत्मा जो अजो बोलते हैं शास्त्र अभिकारी बोलते हैं अभिकार जो मैं मुच्चते अजो नित्य, जब आत्मा को ऐसा कह रहे हैं तो वहाँ से तुमने जन्म मृत्यु कहाँ से लाओगे कल्पना के बिना। जब कोई वस्तु की जो प्रकृति है जो स्वभाव है उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, और शास्त्र ने जब आत्मा को अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण करके ऐसा अभिकार जो ऐसा बोलता है तो वहाँ पर विकार अथवा जन्म मृत्यु कहाँ से आ जाएगा, होने छोड़ हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें बोलते हैं कि अन्ना पिजा काचित स्वभाव ना जाति सा सर्व प्रकृति इति विज्ञेय आलोक, इस लोक में उसी को प्रकृति समझने चाहिए। काचित मतलब काचित उसका जो भाव उसको काचित बोलते, काचित स्त्रीलिंग में ना कमचित काचित और कश्चित, और कश्चित मतलब मैस्कुलिन में बोलते हैं, कोई पुरुष पुरुष लेकर कोई जो कोई भी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, और कमचित मतलब न्यूट्रल जेंडर के लिए, और काचित को स्त्रीलिंग में कहिए, यहाँ प्रकृति स्त्रीलिंग, प्रकृति स्त्रीलिंग से काचित जो कुछ भी इस प्रकार का होगा है ना मिथ्या तो मिथ बोलते हैं कि मिथ्या कल्पितेषु लौकिकेषु अपि वस्तुषु, मिथ्या कल्पित क्योंकि हमारे वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार लौकिक वस्तु सब कल्पित है, तो मिथ्या कल्पितेषु लौकिकेषु अपि वस्तुषु प्रकृति न अन्यथा भवति, प्रकृति जो है अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं करता, प्रकृति अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं करता। किमु किमु तो अज स्वभावेशु परमार्थ वस्तुषु अमृतत्व लक्षणा प्रकृति न अन्नत भवति इति अभिप्राय, जब लौकिक मिथ्या वस्तु में भी ये चीज़ दिखाई पड़ते हैं तो उसके लिए कहना ही क्या है, कौमित्विक न्याय बोलते हैं इसको, मतलब जब सामान्य वस्तु में भी ये दिखाई पड़ते हैं तो शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित जो तत्व है आत्मा अज स्वभावेशु जो पारमार्थिक है कौमित्विक न्याय, कौमित्विक न्याय कैमुतिक न्याय बोलता है, जब यहाँ पे नहीं हो रहा है तो उसके लिए तो कहना ही क्या है कैमुतिक किमुत एक शब्द में कैमुतिक न्याय बोलता है, ठीक है ना, तो इसको तद्धित हुआ है
किमको अधिराज को वृद्धि हो गया, कई कई मूर्ति को ठक पड़ते हैं, कई मूर्ति को नहीं की मुँह तो ये प्रति इसको तो अध्यत करिए, ठक प्रत्यय किया आपने तो क्या बनेगा कई मूर्ति का, क्यों कई मतलब कि मूर्तों की भाव जो मतलब जब यहाँ पे संभव नहीं है कि मूर्त अजो स्वभावेशु वो उसके बारे में कहना ही क्या है जो जन्म रहित स्वभाव वाला है, परमार्थ वस्तु सु वो परमार्थ वस्तु होते हुए अमृतत्व लक्षण प्रकृति उसका जो जन्म मृत्यु से रहित द्वारा लक्षित होता है जो उनका प्रकृति अन्यथा भवति वो कैसे अन्यथा हो सकता है इति अभिप्राय इसका अभिप्राय वो कैसे अन्यथा हो सकता है। तो सामान्य लौकिक वस्तु में भी ऐसा नहीं होता तो जो जो मतलब पारमार्थिक रूप में जिसकी जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन कैसे हो सकता है। यहाँ पे जी सात नंबर और आठ नंबर टिप्पणी दिखाई पड़े, सात नंबर मिथ्या कल्पितेषु मिथ्या अज्ञान तत्कल्पितेषु इति अर्थ है ना, मिथ्या मतलब अज्ञान से कल्पित वस्तु, अज्ञान से कल्पित वस्तु भी अपना स्वभाव को नहीं छोड़ता। अब बताओ रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प, जब तक आपको रज्जु संबंधित ज्ञान नहीं होगा तब तक वो सर्प अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, तब तक आपको सर्प वो स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, सर्प सर्प ही रहेगा काटने भी आएगा। इसलिए यहाँ पे जो बोलता है जब लोक मतलब कल्पित वस्तु में भी जब ये प्रश्न उठता है तब जब अकल्पित वस्तु के लिए तो कहना ही क्या है, अकल्पित वस्तु के लिए कहना ही क्या है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि साथ में मिथ्या अज्ञान तत्कल्पितेषु इति अर्थ, मिथ्या अज्ञान उसके फल उसमें कल्पित जो वस्तु है उसमें भी जब स्वभाव परिवर्तन नहीं करता तो जो पारमार्थिक वस्तु है, जो पारमार्थिक वस्तु है उसमें स्वभाव का परिवर्तन कहाँ से होना संभव होगा। ये अभी का आठ नंबर टिप्पणी बोलते हैं अजो स्वभावेशु जीवेशु इति अर्थ, पारमार्थिक जीव क्या है जन्म मृत्यु से रहित है, आत्मा है जीवेश जी ब्रह्म ही बना पर ब्रह्म में कोई जन्म मृत्यु नहीं है, फल तो क्या होता है कि ये भी जो है कि जन्म मृत्यु से रहित है। जन्म मृत्यु कहाँ से आया कल्पित कल्पना किया तुमने, इसलिए जब तक कि जन्म मृत्यु की कल्पना रहेगा तब तक जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। वास्तविक जीव में भी यदि अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो जन्म मृत्यु फिर बंद हो जाते हैं, जब तक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक जन्म मृत्यु की धारा चलती रहती है। यही अवश्य के प्रश्न बोलते हैं अजो स्वभावेशु जीवेशु इति अर्थ, इसके ऊपर टीका में बोलते हैं प्रकृति अन्यथा भावो न कथंचित इति उक्तम तत्र प्रकृति शब्दार्थम कथयति, श्लोक अक्षराणि व्याकुर्वान् प्रकृति अन्यथत्व अभावे हेतु, श्लोक के अक्षर को व्याख्या करते हुए प्रकृति की अन्यथा भाव होना संभव नहीं है, उस अभाव में कारण को कहते हैं। जस्मात् लौकिक की प्रकृति में भी कोई परिवर्तन होना संभव नहीं है तो पारमार्थिक वस्तु में प्रकृति में परिवर्तन होना कैसे संभव होगा, इस ये हेतु है उसके पीछे। तस्मात् टीका में फिर अज अमृत स्वभाव स्वभाव प्रकृति न विपर्येति इति किम वक्तव्यमिति योजना, इसके बारे में कहने का इसीलिए तस्मात् क्योंकि जब लौकिक वस्तु भी मिथ्या कल्पित लौकिक वस्तु भी जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है तो पारमार्थिक वस्तु का जो स्वरूप दिखाया गया है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, ये कैसे सोच सकते हो नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं तस्मात् अज अमृत स्वभाव जन्म रहित और मृत्यु से रहित इस प्रकार स्वभाव जिसका मतलब जो प्रकृति है, प्रकृति न विपर्यय तो उसका विपर्यय कभी नहीं होता इति इस विषय में किम वक्तव्य कहना ही क्या है, इस विषय में कहना ही क्या है इति योजना, ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। ये देखिए लिख रहे हैं कई मृत्यु का न्याय द्योतनार्थ अपिशब्द, वहाँ पे जो अपिशब्द है ये अपिशब्द कैमुतिक न्याय को दिखाने के लिए, जब लौकिक वस्तु में भी होना संभव नहीं है तो पारमार्थिक वस्तु में कैसे होना संभव है, कि अपिशब्द लोक तस्मात लौकिकी अपि लौकिकी अपि मतलब ये कैमुतिक न्याय को दिखा रहे हैं, जब लौकिक वस्तु में भी संभव नहीं है तो पारमार्थिक वस्तु में कैसे संभव होगा। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कैमुतिक न्याय द्योतनार्थ, कैमुतिक न्याय का प्रकाशित कहाँ से आया बोलते भाष्यकार ने जो अपिशब्द प्रयोग किया, अपिशब्द प्रयोग से यहाँ पे कैमुतिक न्याय को ग्रहण किया। विवक्षितम हेतुम स्फुटयितुम प्रश्न पूर्वकम विभाजित, हेतु क्या है लौकिक वस्तु भी अपना स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकता है तो पारमार्थिक वस्तु में कहाँ से होगा, इसी को जो है विवक्षितम हेतु, ये जो हेतु को कहना चाहता है उस हेतु को स्फुटयितुम स्पष्ट करके समझाने के लिए प्रश्न पूर्वकम विभाजते, प्रश्न उठा करके उसको अलग अलग करके दिखाते हैं, विभाज अलग करके दिखाते हैं, क्यों प्रश्न क्या है का अशोक ये प्रकृति क्या वस्तु है जी, ये प्रश्न उठा है इतना उसको उत्तर में कहते हैं चार का अशोक इत्यादि ना। अब जो संसिद्धि की
उसका अर्थ तो क्या था कि सम्यक सिद्धि संसिद्धि तत्र भव संसिद्धि की यथा योगी नाम सिद्धा नाम अनिमद ऐश्वर्य प्राप्ति प्रकृति सा भूत भविष्य कालयोर अपि और अपि योगिनाम न विपर्यति। ये जो पंक्ति लिखा है उसको बोलता है सांग योग अनुष्ठाय परिसमापनम संसिद्धि अंग सहित योग मतलब जो अष्टांग योग है बोलता सांग योग यम नियम के साथ धरना धन संबंधी तक योग अभ्यास करने का फलस्वरूप जिस स्थिति को कोई योगी प्राप्त करते हैं वो उसका सम्यक सिद्धि होता है। इसलिए बोलते हैं सांग योगम अनुष्ठाय अंग अंग सहित योग अभ्यास का अनुष्ठान करके परिसमापन अपुल एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो प्राप्त होते हैं वो संसिद्धि उसको बोलते हैं संसिद्धि। इस प्रकार जो संक्षिप्त जो ये सिद्धि है वो किसी का आश्रम में रहेगा वो हो गया सिद्ध व्यक्ति है ना। जो सिद्धि किसी का आश्रम में रहेगा इसलिए उस आश्रम में उत्पन्न होता है उस आश्रम जब तक वो आश्रय रहेगा तब तक आश्रय का व्यभिचार नहीं करेगा तब तक आश्रय का व्यभिचार नहीं करेगा। सिद्धा नाम अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्तो सामग्री संपन्ना नाम बोलते हैं ये सिद्ध पुरुषों का सिद्धा नाम अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्त हो अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर सामग्री मतलब क्या है सामग्री संपन्ना नाम मतलब जब तक पूरा अष्टांग योग के लिए जो भी चीज़ चाहिए पूरा नहीं करेंगे तब तक ये प्राप्त नहीं होगा और प्राप्त होगा तो व्यभिचार नहीं करेगा परंतु जो पूरा सामग्री के साथ करना पड़ता है। नौ नंबर टिप्पणी बोलते हैं क्योंकि अशुक्ल अकृष्ण अशुक्ल अकृष्ण अदृष्ट रूपा इति अर्थ चार प्रकार की कर्म योग दर्शन शुक्ल कृष्ण अलग अलग और शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल कृष्ण शुक्ल मतलब सात मतलब विशास्त्र भेद कर्म करने वाला है ना इस प्रकार स्वभाव है। कृष्ण कर्म मतलब शास्त्र भेद कर्म और कृष्ण कर्म मतलब शास्त्र निषिद्ध कर्म कृष्ण कर्म निषिद्ध कर्म और कोई व्यक्ति मिला जुला कर्म करते हैं है ना शुक्ल कृष्ण मिलकर क्योंकि कुछ विहित कर्म करते हैं कभी निषिद्ध कर्म भी हो जाता है और योगियों का कर्म अशुक्ल कृष्ण वो विहित कर्म निषिद्ध कर्म दोनों ही नहीं करते ये योगी का योग दर्शन की चतुर्थ अध्याय में आए सूत्र योग पतंजलि योग दर्शन की चतुर्थ अध्याय में ये आए हैं इस सूत्र के कि सामग्री अशुक्ल अकृष्ण अदृष्ट रूप योगी की क्या होता है ना शुक्ल कर्म है ना कृष्ण कर्म है इस प्रकार के अदृष्ट वाले मतलब धर्माधर्म से रहित हो जाने पर तब जाकर के ईश्वर जाते हैं। महाराज हमको जैसे लग रहा है स्टेज ऐसी है पहले कृष्ण कर्म उसके बाद शुक्ल कृष्ण कर्म उसके बाद शुक्ल कर्म उसके बाद अशुक्ल अशुक्ल कर्म स्टेज मतलब पहले अपने प्रकृति के अनुसार चलते हैं फिर उसके बाद धीरे धीरे शास्त्राचरण करते हैं फिर शास्त्राचरण करते करते शास्त्राचरण से मिला जुला होता है फिर बाद में दोनों ही छोड़ जाते हैं दोनों ही छोड़ जाते हैं। यही उपाय है तो यही झुकी के लिए सिद्ध है अशुक्ल अकृष्ण अदृष्ट रूप अशुक्ल और अकृष्ण मतलब जहाँ पे निषिद्ध कर्म विहित कर्म इससे उत्पन्न दोनों रहित होकर के जो अदृष्ट होता है दोनों रहित होकर के अब जोगी जो काम करते हैं वो क्या काम वो काम जो करते हैं तो उनकी दृष्टि से कर्म है ही नहीं उनकी दृष्टि से कर्म है ही नहीं तो दिखते हैं तो लोग दृष्टि से वो दिखते हैं बोलते हैं दिखते हैं इसीलिए बोलते हैं अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति सिद्धा नाम अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति सामग्री संपन्ना नाम वहाँ पर जो बोलना सिद्धा नाम जिसने सिद्ध कहाँ पे योगी नाम सिद्धा नाम अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति ये प्रकृति बन जाता है ठीक है ना। भाष्य में पहले लाइन में देखिए तो उसी को यहाँ पे बोलते हैं अनिमादि ऐश्वर्य प्राप्ति मतलब क्या है सामग्री संपन्ना नाम जिस समय आप सामग्री से जुड़ जाएंगे सामग्री मतलब जब आप धर्माधर्म से ऊपर उठ जाएंगे तब जाकर के सिद्धि ये जो योगिक सिद्धि है। अच्छा फिर जो है भाष्य में देखिए फोर्थ लाइन में राइट हैंड कॉर्नर में अन्नापि जा काचित अकृता केनचित न कृता यथा अपम निम्न दिश गमनादि लक्षणा अन्नापि जा काचित स्वभाव न जहाती ये जो जा काचित स्वभाव न जहाती ठीक है ना इसको उठा करके टीकाकार लिख रहे हैं जहाँ काचित स्वभाव हम ना चाहती जो भी कोई वस्तु जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहते इस प्रकार अगर प्लास्टिक की कुर्सी से काला रंग की है अब क्या ये इसका ये स्वभाव बन गया प्रकृति काला रंग ही रहेगा जब तक रहेगा उसको फिर जला नहीं देंगे जब तक मतलब नाश नहीं होगा तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इसलिए बोलते हैं जहाँ काचित स्वभाव हम ना चाहती क्या जैसे घटस्व घटत्तम घटस्व पटत्तम इस प्रकार घटत्तम पटस्व पटत्तम इत्यादि
इत्यादिका इत्यादिका इति शेष। इस प्रकार से जिसका जो धर्म है जो नहीं छोड़ता यही उसका प्रकृति है, घट की घटत तो मतलब इसके आगे इतना जोर के अर्थ करना है इति शेष। द रिमेनिंग पार्ट इज यहाँ पे ऐड हियर इति शेष, इतना आगे इतना जोड़ना है। यहाँ पर जा काचित स्वभावम ना जहाती, जो भी इतना स्वभावम ना जहाती वो क्या है सा सर्व प्रकृति। उसमें आनंदगिरी जी बोल रहे हैं जिस प्रकार जैसे घटस्य घटत्वम पटस्य पटत्वम इत्यादि इत्यादि का इस प्रकार की जो प्रकृति है इति शेष, इतना जोड़ने से पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से प्रासंगिकम प्रकृति शब्दार्थम उक्ता, लोग व्यवहार में प्रसंग से प्राप्त हो जाए प्रकृति शब्द, इसके अर्थ को कथन करके प्रासंगिकम प्रकृति शब्दार्थम उक्ता प्रकृतिर अन्यथत्व अभावे प्राग उक्ते स्व सिद्धांत यत फलति। यदि प्रकृतिर अन्यथा भाव न कथनचित भविष्यति, तो प्रकृति क्या वस्तु है इसको दृष्टांत के द्वारा समझा करके प्रासंगिक है ना। अब घटना कहाँ पे है, किसको लेके विचार चल रहा था प्रकृति, किसका प्रकृति स्वभाव, आप किसकी प्रकृति प्रत्येक धर्म की, धर्म मतलब जीव, जीव की प्रकृति धर्म की है ना प्रकृति। यहाँ पे बोलते हैं कि प्रासंगिकम प्रकृति शब्दार्थ प्रसंग से प्राप्त जो प्रकृति शब्द है उसको दृष्टांत में घटा करके दिखा करके आप दृष्टांत जिसको लेकर के मतलब क्या है आत्मा को लेकर के विचार चल रहे हैं, और मुख्य सिद्धांत का जन्म होना संभव नहीं है, सत्वादी से होना संभव नहीं, असत से होना संभव नहीं है, तो हम बोलाबाद जन्म होना संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि जिसकी जन्म कह रहे उसका प्रकृति ऐसी है, क्या प्रकृति है उसको जन्म होना संभव नहीं है जिसके जिसके पहले के विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पे प्रकृति की अन्यथा भाग होना संभव नहीं है इसको या कुछ दृष्टांत के द्वारा दिखाए, दिखाने के बाद अब दृष्टांत में घटा करके मतलब जिस आत्मा को लेकर के विचार जीव आत्मा को लेकर के विचार किया जा रहा था उसमें घटा रहे, इसलिए बोलते हैं प्रासंगिकम प्रकृति शब्दार्थम उक्ता प्रासंगिक प्रकृति शब्दों को अर्थ को कथन करके प्रकृति अन्यथत्व अभाव प्रकृति की विपर्यय नहीं होता प्रकृति अन्यथा भाव न कथित भविष्यति जो उनकी प्रतिज्ञा है प्रागुक्ति स्व सिद्धांत जो पहले कथन करके आया और उसको अपने सिद्धांत में घटाना है। अपने सिद्धांत तो कहाँ है यत फलति मतलब आत्मा में उत्पत्ति होना संभव नहीं है, ऐसे जीव की उत्पत्ति होना ही संभव नहीं है। यत फलति जो रिजल्ट निकलता है तद इदानीम उसी को यहाँ पे किम पुनर्न्याय ने कथयति जब कैमुतिक न्याय की तरह उसको कथन करते हैं तो क्या बोलते हैं किम पुनः क्यों तो मिथ्या मिथ्या कल्पितेशु और किम पुनः न्याय न कथयते किम पुनः ये जो न्याय इस प्रकार मतलब कैमुतिक न्याय के द्वारा इसको दिखाते कथयति मिथ्या कल्पितेशु लौकिकेशु अपि वस्तुषु प्रकृति न अन्यथा भवति। मिथ्या कल्पित वस्तु में भी प्रकृति विपर्यय को प्राप्त नहीं करता किमु तो अजस्वभावेशु परमार्थ वस्तुषु अमृतत्व लक्षण प्रकृति मैंने अजस्वभाव वाला जो अमृतत्व लक्षण वाला जो परमार्थ वस्तु आत्मा है उसके लिए प्रकृति के भिन्न भाव नहीं होगा। इसके विषय में कहना ही क्या है स्वभावेशु ये 7/1 हो गया या 7 बहुवचन कौन सा स्वभावेशु स्वभावेश सेवन सप्ने बहुवचन है ये सप्ने बहुवचन। अब यहाँ पे जो है परमार्थ वस्तु तो बहुवचन नहीं है, वहाँ पे परमार्थ वस्तुषु वहाँ भी तो है परमार्थ वस्तुषु एक्चुअल बहुवचन है, वहाँ पे ये सती सप्तमी हुआ है मतलब उसके लिए तो कहना ही क्या है सती सप्तमी यहाँ पे। अतः यहाँ पे जो बहुवचन प्रयोग किया हुआ है ना ये है उपाधि के कारण जो आत्मा भेद की प्रतीति होते उसको मान्यता देकर जो बहुवचन प्रयोग किया गया उपाधि भेद से आत्मा की भिन्नता की प्रतीति होने पर भी इसका प्रकृति में भिन्न व्यभिचार नहीं होता इसलिए बहुवचन प्रयोग करके दिखाया। हमको क्या दिखाई दे रही है अलग आत्मा अलग आत्मा एक अलग आत्मा एक अलग आत्मा दिखाई दे रहा है परंतु इसका प्रकृति क्या है या मैं जन्म मरने वाला हूँ एक जन्म मरने वाला है बोलते इसका जन्म मरना ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जानबूझ के ऐसा प्रयोग के सदस्य मेरे को जब वहाँ पर होना संभव ही नहीं है। यहाँ पे प्रकृति का चार जो प्रकृति बोलते हैं जो विकार जिसका कोई प्रकृति नहीं है परंतु जो अपने आप में विकृत होते हैं परंतु नित्य मानते हैं परिणामी नित्य परिणामी नित्य विकारी वस्तु है परिणामी परिणाम होना मतलब विकार होना तो नित्य मानते हैं फिर उसको प्रकृति एक है या बहु है और प्रकृति एक है सांख्य सिद्धांत में प्रकृति एक है और आप पुरुष बहुत है और वेदांतिक सिद्धांत में पुरुष एक है
प्रकृति मतलब मन अनेक है, वो पारमार्थिक नहीं हो अलग बात है, परंतु मन अनेक मानते हैं, उसी से काम चलते हैं। हम उसके लिए दृष्टांत तो क्या देते हैं कि एक सूर्य है, अनेक घरों में पानी है, अनेक सूर्य दिखते हैं, अनेक सूर्य दिखते हैं, ये हमारे दृष्टांत है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्रासंगिक प्रकृति शब्दार्थ मुक्ता प्रकृति अन्यथत्व अभावी प्रागुक्ति स्वसिद्धांत है, जो पहले कथन प्रकृति अन्यथत्व अपना कथन जत फलती उसमें जो रिजल्ट निकला तद इधानी उसको यहाँ पे किम पुनर् मतलब कैमितिक न्याय के द्वारा किम पुनर्न्याय न कथयत उसको कहते हैं मिथ्या कल्पित इसी लौकिक वस्तु में भी जब भी होना संभव नहीं है तो पारमार्थिक वस्तु जो आत्मा उसमें कहाँ से जन्म होना संभव हो जाएगा, ये इसका भिन्न करते हैं। आप इसी को समझाने देखिए प्रासंगिक टीका में 10 नंबर के लिए टीका में देखिए प्रासंगिकम प्रासंगिकीम एव जीवानाम प्रकृति दर्शयितुम प्रक्रमते। अब प्रसंग से जो प्राप्त हो रहा है जीव की मुख्य प्रकृति क्या है, हमने क्या मान लिया हमारा प्रकृति जन्म मरने वाला, और ये प्रकृति कब तक रहेगा जब तक हम मान्यता देंगे वास्तविक में जन्म मरने वाला नहीं। इसलिए बोलते हैं प्रासंगिकीम एव प्रसंग से प्राप्त होता है जो जीवानाम प्रकृति जीव की जो प्रकृति है उसको दिखाने के लिए है ना, उसको दिखाने के लिए अब जो प्रक्रमत भूमिका करते हैं जीव मतलब क्या ध्यान इनका प्रत्यय अतो वक्षा में अकर्म न जाते समतांगतम जाता न जायते किंचित जायमान समन्तत, ये हमारा मूल हमारे मुख्य प्रकृति मतलब सिद्धांत, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं उसको दिखाने के लिए। जरा मरण निर्मुक्तः सर्वे धर्मः स्वभावतः जरा मरण इच्छन्त श्यवन्ते तन्मनीषया अद्भुत शब्द बोले यहाँ पे देखिए सर्वे धर्मा स्वभावतः जरा मरण निर्मुक्ता भवन्ति। सर्वे धर्मा सभी जीव प्रत्येक जीव स्वभावतः बाय इट्स वेरी नेचर जन्म मृत्यु से रहित है। सर्वे धर्मा स्वभावतः जरा मरण निर्मुक्ता भवन्ति अथवा संति वो ऐसा है तब जन्म मृत्यु, परंतु क्या होता है जरा मरण इच्छन्तः। अब क्या हुआ आप कोई चीज़ की इच्छा तीव्र इच्छा आपकी हुई तो आप स्वप्न में क्या देखेंगे उसी वस्तु को देखेंगे, जब सच्चाई को नहीं समझ पाया तो उसी को देखेंगे। जैसे ये होता है इसी प्रकार से मैं तो जन्म ने मरने वाला जीव यही चीज़ सोचते रहेंगे तो जन्म मृत्यु की चक्री आपके सामने घटता रहेगा। यद्यपि आत्मा में कोई जन्म मृत्यु देखें उधर आपकी दृष्टि नहीं है, जन्म मृत्यु शरीर में है, जन्म मृत्यु को मान्यता दे करके मैं ये भोग होगा ये मेरे को ये चाहिए वो चाहिए उस वासना के अनुसार उस भोग को वस्तु से भोग को अनुकूल शरीर प्राप्त होता है। मैं स्वर्ग जाऊँगा शास्त्र ने कर्म किया तो जाग जग गति कर्म करता स्वर्ग जाके भोगता फिर आते हैं घूम करके। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जरा मरण इच्छंत मतलब क्या है मैं इस शरीर को छोड़ करके स्वर्ग में जा करके देवताओं के सुख भोगूंगा। क्या इच्छा किया आपने इस शरीर को जरा मृत्यु हो तब जाकर नया शरीर प्राप्त करेंगे, इस प्रकार इच्छा करने वाले कहते हैं जबंती तक मनीषा जो अपने स्वरूप की भाव है उससे आप च्यूत हो जाते हो इस प्रकार विचार करने के फल इस प्रकार विचार के जबंती तन मनीषया कहता था उस प्रकार के चिंतन के फल स्वरूप सपने में वैसे क्योंकि हमारे सिद्धांत तक उनसे जागृत पूरा स्वप्न है फल क्या होता है उस प्रकार चिंतन मन में रहने का वही सपना देखता रहता है ये लगता नहीं है कि मैं जग करके स्वप्न देख रहा हूँ मैं सोया हुआ हूँ लगता है इस समय नहीं लगता कि हम माया निद्रा में सोए हुए हैं आपको लगता है कि हम जगे हुए हैं। अनादि माया सुप्त जदा जीव प्रबुद्धते अनादि माया निद्रा से जब भी जपते हैं तब जाकर के अजमा निद्रा तब जाकर के जन्म रहित तो समझ में आता है। उसके पहले क्या होता है माया निद्रा में सो करके जन्म मृत्यु की कल्पना करता रहता है जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है देखिए कि माइंड को कितना स्ट्रांग बनाना पड़ता है ही नहीं इस मुझ में ये हमारी कल्पना मात्र है। जैसे जितना विचार धीरे होता जाएगा निश्चय होता जाएगा तो धीरे धीरे आप उससे अलग हो जाएंगे। इसलिए जरा मरण निर्मुक्ता सर अब बताओ आप सामान्य रूप से विचार करो सन्यासी बनने से पहले आपका मन में कितना स्ट्रेंथ लाना पड़ता है कि ये जो सब ये सहारा छोड़ करके बिल्कुल निस्संग हो गए कितना माइंड में स्ट्रेंथ लाना पड़ता है फिर उसका लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है
प्रत्यय कन्वर्ट। ठीक इसी प्रकार यदि ऐसे निश्चय कर पाएंगे मैं जन्म मृत्यु से रहित असंग पूर्ण व्यापक तत्व हूँ, जितना धीर होता जाकर उसी भाव में स्थिर हो जाएंगे, उसी भाव में स्थिर हो जाएंगे। इसमें कोई क्योंकि यहाँ पे कोई लाना नहीं है, जो विद्यमान वस्तु है वो आपको समझना है बस। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्म स्वभावत, है ना, जरन मरण जना जरा मरण इच्छंत शवंते तन मनुष्य, है ना। ये जो है क्या होगा कि मैं स्वर्ग में जाकर के सुख भोगूंगा, ब्रह्म लोक में जाकर इस प्रकार की भावना रखने वाले व्यक्ति क्या होता है, बोले तो आप उस अपने जो मूल भाव है उससे च्युत हो जाता है, चवनते तन इस प्रकार भावना रहने के कारण। यहाँ पे देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं, टीकाकार बोलते हैं 10 नंबर प्रासंगिक एवं जीवानाम प्रकृति दर्शयितुं प्रक्रमते जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्म स्वभावते, ये बार बार जन्म मृत्यु से रहित मैं असंगिक व्यापक तत्व हूँ, पूर्ण हूँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इस प्रकार भाव को जितना बनाते रहेंगे यही वेदांत की साधन है, विचारपूर्वक इस भाव को निर्णय करना, स्थिति बना। आत्मनो ही सर्व विक्रिया रहिता स्वभावतो भवन्ति, है ना, कभी भी मन में कोई विकार है तो यदि मान लीजिए विकार उठना नहीं उठना सबसे अच्छा है, यदि आ भी गया तो समझना कि मन है, मैं इस विकार को देख रहा हूँ, विकार मुझ में नहीं है, विकार मुझ में नहीं है, तो विकार अपने आप चला जाएगा। और विकार के साथ यदि मैं अपने तो कर लिया तो विकृत और होते जाएंगे, मन विकृत होते जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आत्मनो ही सर्व विक्रिया रहिता स्वभावतो भवन्ति इति अर्थ तेषां उक्त प्रकृति अन्न थत्ते का क्षति इति आशंका। मान लीजिए हमारा जो प्रकृति क्या है, मैं जन्म मृत्यु से रही थी, यदि मैं इसमें चिंता नहीं करता हूँ, इसका विपरीत चिंता करता हूँ, क्या नुकसान क्या है, नुकसान यही है यथा क्रतुरस्मिन लोके पुरुषो भवति, जैसा चिंता करोगे ऐसा बनोगे, है ना। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं तेषाम उक्त प्रकृति अन्न थत्ते उन जीव का इस प्रकार प्रकृति क्या है, सर्व जरा मरण निर्मुक्त ही हमारी प्रकृति है, ठीक है ना। इस प्रकार की प्रकृति के अन्नथत्व यदि हम इसको विपरीत भावना चिंतन करते हैं, कहाँ हानि कहाँ क्षति, इसमें नुकसान क्या होता है, इति आशंक, तब क्या होता है, जरा मरण इच्छंत श्यवंते तन मनीष, वो क्या होता है, जन्म मृत्यु की प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति क्या होता है, अपने स्वरूप से च्युत होकर जीता, शरीर के साथ तादात्म्य करके जीता, उस प्रकार चिंतन के फल से। टीका में फिर सर्व विक्रिया शून्य स्वात्मनि विक्रिया कल्पनायाम तद वासनाया स्वभाव हानि सैत अर्थ। ये क्या बोला है, सर्व आत्मा क्या है, समस्त विकार से रहित है, सर्व विक्रिया शून्य समस्त विक्रिया से रहित स्वात्मनि अपने स्वरूप में विक्रिया कल्पनायाम, वहाँ पे यदि विक्रिया मतलब जरा मृत्यु जन्म जरा मृत्यु जरा व्याधि भूख प्यास सुख दुख की आप कल्पना करोगे, विक्रिया कल्पना है तद वासनाया, ठीक है ना, ये सब मुख्य है, ये सब पुण्य कर्म करके सर को शुभ भोगेंगे, है ना, क्योंकि शुभ भोगने की इच्छा है, धार्मिक धर्माचरण करते हैं, परंतु वो शुभ भी अपना उनका भावी प्रतिबंधक बन जाता है, उसका मुक्ति में भावी प्रतिबंधक बन जाता है। इसीलिए विक्रिया कल्पनाया तद वासनाया उस विक्रिया जो इन वासनाओं के फलस्वरूप स्वभाव हानि, मतलब जो उसका पारमार्थिक स्वभाव है वो उसका तो बदलता नहीं है परंतु वो उसी भाव में घूमता रहता है, स्यात अर्थ, ये इसका अभिप्रेत अर्थ है। 4 नंबर टिप्पणी बोलते हैं हानि मतलब भ्रांतियात्मक तद्भानव, ये देखिए मतलब क्योंकि अभी नहीं तो प्रतिज्ञा गड़बड़ हो जाएगा, आपने क्या बोल कहा प्रकृति अन्यथा भाव न कथनचित भविष्य, तो आप क्या बोल रहे हो, यदि विपरीत चिंता करोगे तो स्वभाव हानि हो जाएगा, भ्रांति से ऐसा प्रतीत होगा आपको। टिप्पणी का तुरंत उसको संभाल दिए कि यहाँ पे जो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जो बोल करके सिद्धांत हानि रीति भ्रांतात्मक तद्भान, भ्रांतियात्मक को भान होने लग जाएगा अपने में, मैं जन्म ने मरने वाला हूँ, मैं तो मर जाऊँगा, इस प्रकार से ये इसको अभिनिवेश क्लेश बोलते हैं, इसको योग दर्शन में इसको अभिनिवेश क्लेश बोला है। स्वर अशोभाई विदुष अपि तथा रूढ़ अभिनिवेश, वो जन्मांतरीय संस्कार से उसी के द्वारा खींचता हुआ हाय मैं मर जाऊँगा, ये जो है इसको अभिनिवेश क्लेश बोलते हैं, जो हमारे अंदर नहीं है वस्तु, अभिनिवेश मतलब दुराग्रह निमित्त, दुराग्रह निमित्त जो क्लेश को हम भोगते हैं, हमारे दुराग्रह है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं जन्म ने मरने वाला हूँ, बात यही सबसे बड़ी प्रश्न है, अभिनिवेश क्लेश बोल रहे योग दर्शन में। इसको योग दर्शन में भी देखो इस चीज़ को सही जगह पर पकड़ लिया, क्लेश का जो मूल कारण क्या है, ये अभिनिवेश मुख्य रूप से वही जो हमारे लेखन में जन्म मृत्यु। अब जो श्लोक अक्षराणी
व्याकर्तुक श्लोक के अक्षरों को व्याख्या करने के लिए आकांक्षा दर्शयति, आकांक्षा को दिखाते हैं। अतः किम विषया पुनसा प्रकृति दस अन्नथा भावो बाधिभिर कल्पते, अब भाष्य में आ जाइए, ठीक है ना। किम विषया पुनः, परंतु ये तो बताओ किस विषय में, किसकी किस विषय की प्रकृति के बारे में तुम कहना चाहते हो जो अन्नवादी जो है इस प्रकार अन्नथा भाव कल्पना करते। किम विषया पुनः सा प्रकृति, मतलब किसको आश्रय करने वाला है वो प्रकृति, जैसा जिसका अन्नथा भाव भिन्न भिन्न भाव को बाधी भी अन्नवादियों के द्वारा कल्पना किया जाता है। कल्प्यते कल्पनायाम वा का दोष, दो प्रश्न हो रहा है यहाँ पे, दो प्रश्न हो रहा है। एक प्रश्न होता है किस विषय में वादी लोग भिन्न भिन्न कल्पना करते हैं, और यदि ऐसा कल्पना करते हैं तो क्या दोष हुआ, नुकसान क्या हुआ। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे किम विषय पुनः सा प्रकृति, प्रकृति जस अन्नथा भाव, जिस प्रकृति का अन्नथा भाव, जिस प्रकृति का अन्नथा मतलब प्रत्येक जीव पारमार्थिक भाव में रूप से जन्म मृत्यु से रहित है, और अब वादी ने क्या कर दिया, जीव की जन्म मृत्यु मान ली, ये हो गया इसमें। और इसलिए जो है ये अन्नथा अन्नथा हो बाधे फिर कल्पते, और कल्पनायाम वा का दोष, इस प्रकार कल्पना करने से क्या नुकसान होगा, क्या क्या नुकसान होगा, कल्पना राज्य में घूमते रहोगे। कल्पते के बारे कोमा होगा कहाँ पे, हाँ कल्पते बारे, हाँ एक कमा कर दे तो अच्छा ठीक है, वहाँ पे कमा कर देते बाधे फिर कल्पते, ये पहला एक एक नंबर एक शंका है। और दूसरा है कल्पनायाम वा को दोष, इस प्रकार कल्पना करने से क्या नुकसान होगा, ये थी आहो, उसी को मन में रखते हुए क्या बोला, जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्म स्वभाव, ठीक है ना। ये जो है ये है प्रकृति, जन्म मृत्यु से रहित है, प्रत्येक जीव जन्म मृत्यु से रहित है, ये उसका जन्म निर्मुक्ता, उसी को अर्थ करता है जरा मरण आदि सर्व विक्रिया वर्जिता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भूख प्यास जितना विकार दिखाई पड़ते हैं आत्मा में, आत्मा सभी विकार से रहित है। तो विकार कहाँ पे है, उपाधि में है, स्थूल शरीर में, मन में, सूक्ष्म शरीर में, प्राण में, ये सब विकार है, परंतु हम उसको क्या करते हैं, व्याधिकरण हमें नहीं दिखाई देता, अन्य जगह के वस्तु को अन्य जगह पर हमने आरोप कर दिया। जन्म मृत्यु शरीर के धर्म है, भूख प्यास प्राण के धर्म है, सुख दुख मन के धर्म है, और उसको हम देखते भी हैं, तो फिर देखने के बाद भी जो है वो मैं अपना हूँ इस प्रकार अपना लेते हैं, क्योंकि दृश्य के धर्म दृष्टा में आरोप कर देते हैं। जरा मरणादि सर्व विक्रिया वर्जिता इति अर्थ के सर्वे धर्म, मतलब धर्म के सर्वे आत्मान, ये आत्मान ये कौन सा विभक्ति है जी, बोलो नहीं ना, अरे सर्वे में कौन सा विभक्ति है, प्रथम बहुवचन, और द्वितीय बहुवचन में क्या होता है, आत्मन आत्मन अल्लोप अन, परंतु वहाँ पे तो वहाँ पे जो अल्लोक अन्न में क्या होता है, जहाँ पे जुगता स्वर्ग मकारंत बकारंत बमंता संजगात संजगंत बकमंत, वहाँ पे जो है उसका लोप नहीं होता, फल तो आत्मन बन जाता है, आत्मन प्रातिपदिक है षष्ठी के, आत्मन बन जाता है, और वहाँ पे तो उपथा दीर्घ हो जाता है सर्वनाम स्थान में, इसलिए आत्मान धर्म सर्वे है ना, यहाँ पे सर्वे ही पढ़ना है उसको, प्रथम बहुवचन है आप सर्वे, सर्वा क्यों नहीं बोलेंगे जी, यहाँ पे सर्व क्या लिखा है, वहाँ पे सर्व लिखा है ना, विसर्ग है ना, एकार है, ठीक है ना, तो आपको क्या लेना है वहाँ, आपको क्यों विसर्ग होने से प्रथमा होगा और एकार होने से बहु, मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा और बहुवचन होगा, ठीक है ना, यदि एकार होगा तो बहुवचन होगा, विसर्ग होगा तो एक वचन होगा, आप दोनों में ऐसे ही दिखेगा रूप, आप कैसे निर्णय करेंगे यहाँ पे कि विसर्ग है कि एकार है, ये आगे पीछे का दो शब्दों को देखो ना, धर्माः बहुवचन है, फिर आत्मानः बहुवचन है, इसलिए बीच में भी बहुवचन सर्वे, हाँ समझ में आ ना कि ये सर्व नहीं सर्वे पर सर्वे, मतलब अर्थ सर्वे में है तभी जाकर अर्थ, क्योंकि आगे देखिए धर्माः प्रथमा बहुवचन, आत्मान प्रथमा बहुवचन, तो बीच में सर्व शब्द प्रयोग कर दिया, वहाँ पे विसर्ग था, एकीकरण ड्रॉप हो गया, विसर्ग है वहाँ पे, विसर्ग ड्रॉप हो गया है वहाँ पे, यहाँ पे धर्मा में तो विसर्ग दिखा, साकार में ड्रॉ नहीं ड्रॉप नहीं होता, अब मतलब सर्वे है वहाँ पे, है ना, एच अब अबला का पिल्लों को सकल दस होकर के सर्व दिखाई दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पे समस्त जीव या आत्मान इति एतत् स्वभावत, यही उसका स्वभाव से मतलब प्रकृति, तो क्या है वो, जरा मरण निर्मुक्ता सर्व जीव स्वभावत जर्म जरा मरण निर्मुक्ता बाय इट्स वेरी नेचर प्रकृतितः, प्रकृति से मतलब स्वरूपतः, एक नंबर टिप्पणी में देखो, स्वरूप से प्रत्येक जीव जन्म मृत्यु से रहित है, क्योंकि समय हो गया, यही पे रखते हैं, कल सुबह पाठ है।
कल पाठ है, परसों अमावस्या, फिर प्रतिपदा, और फिर जो है भैया दूज ना जम द्वितीया बोलते हैं, अक्का पुची को द्वितीया के दिन मंत्र है। तो कल कल पाठ है, तीन दिन कल होगा, हाँ, उसके बाद तीन दिन छुट्टी। और दूसरी बात यह है कि 26 तारीख को पाठ में वाले सब आने वाले सभी महात्माओं को 26 तारीख को हमारा ब्रह्म विद्यापीठ में 11:30 बजे प्रसाद के लिए आना है। 26 को थोड़ा सा काशिकानंद जी थे जो बॉम्बे में रहते थे, वहाँ विद्वान संत थे, और उनका जो आराधन तिथि है छोटा सा, मतलब केवल विद्यार्थियों के लिए, वहाँ 11:30 ठीक है नितिन जी, 26 माता जी रहेंगे आपके नहीं चले जाएंगे, 26 को जाएंगे। अच्छा ठीक है, थोड़ा विमल जी को, विमल जी को थोड़ा मैं भूल जाता ना उस समय, एक विमल जी और जो एक जो पाठ में आते हैं ना शिवबू जी को तो बोल देंगे वहाँ पर। ठीक है, आज कौन सा होगा? प्रज्ञा वैशातवेद शुभेग जलनिधे वेदनाम्नं सरस्वं भूतान्यालोक्यमज्ञान्याविरत जननग्राहघोरे समुद्रे कारुण्यारुद्धारामृतमिदमरे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्याधिपूज्यं परमहूतमजं उस परम गुरु को, उस परम गुरु को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवमहाभारतायनं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ समर्पित है माता जी।